हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी आपकी DCM चल रही है, डेली कम मेजर टेस्ट सीरीज फॉर JEE। ठीक है, तो इसमें अभी आपका 3 माइनर हो चुके। आज मैं आपके सामने ये मेजर लेके आया हूँ, है ना। तो मेजर में आपको पता है फुल सिलेबस आता है अपना। इसमें 2 पेपर हैं आपके, पेपर 1 और पेपर 2। तो अभी ये आपका पेपर 2 का सॉल्यूशन है और इसमें आपको पता है फुल सिलेबस आता है। तो मतलब लगभग लगभग सारे टॉपिक्स अपन कवर करते हैं इसमें। और दूसरी बात ये कि इसमें अभी मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन, है ना। इसमें दूसरी बात ये कि इसमें 2 सेक्शन हैं आपके पेपर 2 में, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो इसमें एक तो आपके सिंगल चॉइस करेक्ट ऑप्शन है, क्वेश्चंस हैं, और दूसरा कॉम्प्रीहेंशन के भी क्वेश्चन लिए गए हैं अपन ने, है ना। 2 कॉम्प्रीहेंशन लिए हैं जिसमें 2-2 क्वेश्चन होंगे दोनों कॉम्प्रीहेंशन में। और तीसरा होगा अपना सेक्शन बी में अपन ने क्या लिया हुआ है, मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो माई सेल्फ देवेंद्र अग्रवाल, टीम मैथ CLC सीकर। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ x=1+iota इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - iota x + 1 - iota = 0, देन इट्स अदर रियल रूट इज, क्या होगा। तो पहली बात तो ये कि अपने को एक कॉम्प्लेक्स रूट दे रखा है और दूसरा निकालना है क्या, रियल रूट। तो रियल रूट निकालने के लिए अपने को क्या करना है, देखो सुनो, इसमें जो गलती होती है ना, सबसे पहली गलती क्या होती है, कई बार अपन क्या करते हैं कि एक रूट दे रखा है कॉम्प्लेक्स तो दूसरा हो गया उसका कॉन्जुगेट, बट अपन ये नहीं ध्यान देते कि इसके जो कोफिशियंट्स हैं वो रियल हैं कि नहीं है। तो आ रही हो समझ में, यदि कोफिशियंट्स आपके क्या हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, तो अपन ऐसा नहीं कर सकते कि एक कॉन्जुगेट है दूसरा भी कॉन्जुगेट होगा उसका, हो सकता है तीनों क्या हो, कॉन्जुगेट। तो एक काम करते हैं अपन, छोटा सा x=1+iota एक रूट दे रखा है और दूसरा एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है। तो देखो z1 जो रूट है वो क्या है अपना 1+iota, एक दूसरा रूट आप z2 मान लो, तीसरा आप z3 मान लो, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, आप सम ऑफ रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाओगे, ठीक है। तो वहाँ से क्या आ जाएगा, -b/a, c/a, -d/a। इसमें x² का कोफिशियंट क्या होगा, 0 लेना है आपको, लेकिन इसमें क्या लगने वाला है, टाइम। तो इसमें आपको इतना टाइम नहीं लगाना है, आप सिंपली क्या करो, जब भी आपने देखा होगा कोई भी इक्वेशन अपन सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हिट एंड ट्रायल से कई बार अपने को आंसर बहुत जल्दी मिल जाता है। तो आप सिंपली आप देखो कि x की वैल्यू कौन सी है रियल जो उसको सेटिस्फाई कर रही है। तो आप x की वैल्यू 0 तो सेटिस्फाई कर नहीं रही, ठीक है ना, 1 - iota = 0, नो। तो अब अपन क्या रख लेते हैं, 1, तो x की वैल्यू इसमें 1 रख लो आप। 1 रखोगे तो क्या रहा है, 1 - iota ना, अभी भी नहीं हो रहा। x = -1 इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ना, -1 + iota + 1 - iota, ठीक है। तो क्या हो गया, 0, दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है आपसे, इफ a = एक मैट्रिक्स दे रखी है अपने को, b मैट्रिक्स गिवन है, देन a + b का इनवर्स इक्वल किसके होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप देखो, अपने को दोनों मैट्रिक्स दे रखी हैं और ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, a inverse + b inverse के इक्वल होगा ये, या इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, या नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं अपन, a + b का इनवर्स फाइंड होगा या नहीं होगा ये चेक कर लिया जाए। तो a + b का इन्वर्स फाइंड करने के लिए पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया जाए। तो a + b का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है चेक करें। तो एक काम करो, a + b कर देते हैं डायरेक्ट, क्या आ रहा है, 3 - 2 1, 4 - 2 2 2 0 2, 4 - 2 2। तो इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है आपके सामने 2 - 4, यानी कि -2, डिटर्मिनेंट आ गया -2। अब अपन क्या करने जा रहे हैं, इसका इन्वर्स निकालेंगे बिल्कुल, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है ना, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो अपन इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो a + b का होल इन्वर्स क्या हो जाएगा, देखो क्या होता है, याद है ना, एडजॉइंट ऑफ व्हाट, a + b डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a + b, ठीक है, फाइंड करें। सबसे पहले देखो क्या करोगे आप, एडजॉइंट ऑफ a + b निकालना है, तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ, पहले डिटरमिनेंट ऑफ a + b क्या आ रहा है, -2, और अपना सीधे कर लो, है ना, 1/-2, और ये आ रहा है आपका 2/2 की मैट्रिक्स है। तो एक काम करें अपन, 2/2 की मैट्रिक्स के लिए देखो इसको ना लिख दूं क्या मैं एक बार, a + b, ठीक है, a + b मैट्रिक्स क्या बनेगी आपकी, 1 2 2 2, ठीक है। इस मैट्रिक्स में अपन क्या करने वाले हैं, सीधे इसका इन्वर्स निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इंटरचेंज साइन चेंज, सीधे 2/2 के लिए, तो क्या हो जाएगा, इंटरचेंज यानी कि 2 1 साइन चेंज, यानी कि -2 - 2 डिवाइड बाय -2 करोगे तो क्या आएगा आपके पास, आपके पास आ रहा है -1 1 1 and -1/2, करेक्ट, -1/2, यस, ये आ गया आपके पास a + b का इन्वर्स, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, सिंपल फाइंड करना है
क्या ये स्क्यूसमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि एक ऑप्शन अपना क्या था, स्क्यूसमेट्रिक था, चेक कर लो क्या ये स्क्यूसमेट्रिक है, ना स्क्यूसमेट्रिक नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि अपन ये भी ऑप्शन नहीं है, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट कर रहा है, स्क्यूसमेट्रिक नहीं है, इनमें से कोई एक ऑप्शन है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा अपने को, ए इनवर्स और बी इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताओ कितना आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा 3 × 4 = 12 - 8, तो कितना आ गया 4, ठीक है, नॉन जीरो आ रहा है डिटर्मिनेंट। और बी का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा अपना, बी का भी निकाल लो, कॉमा डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आ जाएगा, चेक करो, 4 + 2 = 6, डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आ रहा है 6। एक काम करते हैं अब, ए इनवर्स, ए इनवर्स क्या हो जाएगा आपका 1/4 × एडजॉइंट ऑफ ए, इंटरचेंज साइन चेंज, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो और इनका साइन चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा 4 - 3 - 4 - 2, ठीक है। सिमिलरली आप बी इनवर्स निकाल लोगे, बी इनवर्स क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना था अपना 1/6 हो जाएगा, और इसका एडजॉइंट क्या आ जाएगा -2 - 2 = 0 - 2 - 2 = 0, ठीक है ना, साइन चेंज कर दिया और मैंने उनको इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। कर लोगे आप, चेक कर लोगे ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स इक्वल टू आ रहा है कि नहीं आ रहा, किसके, ए प्लस बी के होल इनवर्स के, तो ये क्या आपने को मिल रहा है यहाँ पर, इक्वल नहीं आएगा, आप चेक कर लो आराम से ना, क्या आएगा फोर्थ ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है आपसे, इफ डिटरमिनेंट दिखाया अपने को इक्वल टू जीरो, देन ए बी ए अपॉन बी ए अपॉन बी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है या क्यूब रूट ऑफ माइनस वन है, ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व कर लेते हैं। चलो देखो, तो क्या दिखा है अपने को, सॉल्व करो, मैं ऐसा करता हूँ आर वन के अलॉन्ग कर लेता हूँ इसको एक्सपेंड, ठीक है ना, सी वन के लिए अलॉन्ग भी कर सकते हो, कॉलम फर्स्ट के अलॉन्ग मैं क्या कर रहा हूँ आर वन के, तो क्या हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर माइनस जीरो माइनस बी इंटू बी के लिए क्या आ जाएगा 0 - b² इक्वल्स टू क्या है 0, तो क्या आ गया यहाँ से, यहाँ से आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू 0, तो अपन कह सकते हैं ए क्यूब इक्वल्स टू माइनस बी क्यूब, अरे बात समझ में है ना, तो यहाँ से क्या आ गया ए क्यूब अपॉन बी क्यूब इक्वल्स टू क्या आ गया -1, तो इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, इक्वल टू -1, ठीक है। तो ए क्यूब अपॉन बी क्यूब इक्वल टू -1, दैट मीन्स वॉट, कि ए अपॉन बी किसके इक्वल हो जाएगा -1 to the power 1/3, तो अपन कह सकते हैं क्या कि ए अपॉन बी इज अ क्यूब रूट ऑफ -1, ठीक है। नेक्स्ट, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, -1, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है, चलो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ में देखो क्या कह रहा है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, अपने को इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसका क्या करना है अपने को, सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो करते हैं। सबसे पहली बात, आपको पता है कि दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एक काम करें अपन, सबसे पहले क्या करते हैं dy/dx का कोएफिशिएंट क्या दे रखा है अपने को x, और वहां क्या है y^6, तो अपन क्या करते हैं x into y^6 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करने पे क्या मिलने वाला है, अब देखो यहाँ तो क्या आ जाएगा y^-5 प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा y^6 से डिवाइड करोगे आप तो क्या मिलेगा 1/y^5, क्लियर। x से डिवाइड किया है मैंने तो साथ में मेरे को क्या चाहिए और 1/x इक्वल्स टू में क्या आएगा, x से डिवाइड करोगे तो x² बचेगा और बाकी y^6/y^6 कितना हो गया 1। चलो आगे चलते हैं फटाफट से, तो अब अपने को यहाँ पे अपने क्या किया 1/y को क्या करेंगे y^5 को t पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा अपने को dy/dx (y^-5) को अपन एलिमिनेट कर लेंगे ना अदर वेरिएबल से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, और ये सब अपन क्यों कर रहे हैं, टू चेंज दिस फॉर्म टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, ठीक है ना। तो 1/y^5 को t पुट किया तो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ से -5/y^6 y^-5 मैंने डिवाइड किया था y^6 से ना, तो -6 होगा, है ना, -6 -5/y^6 dy/dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt/dx, क्लियर। चलो आगे फटाफट से, तो यहाँ से क्या मिल गया मेरे को dy/dx (1/y^6) यानी कि ये कंप्लीट,
की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, माइनस वन अपॉन फाइव इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, रखो इसको यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा ये, माइनस वन अपॉन फाइव डी टी अपॉन डी एक्स प्लस वन अपॉन फाइव, फाइव टू वाई टू द पावर फाइव को क्या पुट किया था मैंने, टी, तो वन अपॉन एक्स इंटू टी इक्वल्स टू वॉट, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस फाइव से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस फाइव अपॉन एक्स इंटू टी इक्वल्स टू माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब अपने को पता है कि ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इसका पहले अपन कैसा और इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हो, आप पहले निकालते हो उसमें आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है आपको पता है अच्छे से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स, क्लियर। ये इक्वेशन याद है ना, ये तो नहीं याद, याद है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स, याद आ गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये अपना, ये किसमें है, टी में, ये किसमें है, अपना फंक्शन क्या है, पी एक्स का वैल्यू क्या है अपना, पी एक्स का फंक्शन है अपना माइनस फाइव अपॉन एक्स, फाइंड करो फटाफट से क्या आ जाएगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस फाइव अपॉन एक्स डी एक्स। अब मैं इसको सीधे लिख दूँ, माइनस फाइव बाहर आ जाएगा, वन अपॉन एक्स इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स, लॉग एक्स का मतलब एक्स टू द पावर माइनस फाइव, लॉग क्या है वो एल एन, एल एन का बेस क्या होगा ई, तो ई ई बेस और एक्सपोनेंट का बेस, ठीक है ना, पावर का बेस और लॉग का बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा वहां से x टू द पावर माइनस फाइव के इक्वल आएगा, एंड यू कैन राइट इट लाइक दिस, वन अपॉन x टू द पावर फाइव, क्लियर। सो दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन निकाल लिख दूंगा इसका मैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ, क्या आ जाएगा, एक काम करें यहां पर लिखते हैं अपन, यहां लिख देते ना, तो सॉल्यूशन क्या आ गया इसका, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, y, y की जगह फंक्शन क्या है अपना, t है, तो क्या हो जाएगा ये, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू वॉट, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू एक्स डी एक्स, क्लियर। क्या हो जाएगा बताओ, t का वैल्यू क्या था, t क्या पुट किया था मैंने, वन अपॉन वाई टू द पावर फाइव, वन अपॉन वाई टू द पावर फाइव, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया था अभी, वन अपॉन एक्स टू द पावर फाइव, सो यू कैन राइट हेयर वन अपॉन एक्स टू द पावर फाइव इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर फाइव, बताओ क्या है एक्स टू द पावर फाइव, सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है अपना, वन अपॉन एक्स टू द पावर फाइव, और क्यू एक्स क्या था अपना, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर डी एक्स। आराम से सॉल्व कर लोगे इसको आप, यहाँ से आप अपना सॉल्यूशन निकाल लोगे आराम से, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पर। क्वेश्चन फाइव में देखो क्या कह रहा है आपसे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर सेवन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर फाइव डी एक्स। तो सबसे पहली बात आपको याद आ रहा होगा ये क्वेश्चन है ना, काफ़ी आए हुए हैं, जेई मेंस में भी आए हुए हैं, एक्चुअल में आपके एडवांस का पेपर है ना, इसमें कुछ क्वेश्चन अपन ने जो एम से सिंगल चॉइस में लिए हैं वो ऐसे लिए हैं जो मेंस में भी आपका कवर कर लें साथ में, ठीक है ना। तो दोनों की तैयारी आपकी चल रही है इसमें, खास बात यह है। तो वन माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर फाइव डी एक्स, तो क्या किया मैं, देखो मैंने इसमें से आप हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कॉमन ले लिया आपने, यानी कि एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। जब मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो बाहर क्या आएगा, होल टू द पावर फाइव है तो टू फाइव जा टेन, तो बाहर क्या आएगा, बाहर आएगी आपकी पावर एक्स टू द पावर सेवन अपॉन एक्स टू द पावर टेन बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या रह जाएगा, एक्स टू द पावर माइनस टू माइनस वन और होल टू द पावर फाइव डी एक्स, क्लियर। ये हो गया। अब इसके बाद अब देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा के सामने, वन अपॉन एक्स क्यूब एक्स टू द पावर माइनस टू माइनस वन होल टू द पावर फाइव डी एक्स। अब इस क्वेश्चन में खास बात क्या होती है ना, कि अंदर वाले के जो पावर है वो क्या है, एक कम है किससे, बाहर वाले से, तो बाहर क्या एक्स पावर थ्री, और ये क्या है वन अपॉन में एक्स स्क्वायर है, और वन अपॉन एक्स स्क्वायर है तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर को टी पुट करोगे आप तो कंप्लीटली ये वन अपॉन एक्स क्यूब क्या बन जाएगा, उसका डेरिवेटिव। तो मैंने क्या किया, एक्स टू द पावर माइनस टू माइनस वन को क्या कर दिया, टी पुट कर दिया। टी पुट करते क्या होगा, मजा आ जाएगा देखो आप, माइनस टू एक्स टू द पावर माइनस थ्री डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी टी। तो यहाँ से आप ध्यान से देखो और इसको और सॉल्व कर लो आप, तो क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर माइनस थ्री डी एक्स इक्वल्स टू माइनस हाफ डी टी, क्लियर। तो एक बार बताओ क्या हो जाएगा यहाँ से, डी टी अपॉन माइनस हाफ, और यहाँ अंदर क्या हो गया, टी टू द पावर फाइव। सॉल्व कर लोगे आराम से आप,
t^5, t^5 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो गया माइनस हाफ, और ये हो जाएगा t^-4/-4 प्लस सी। तो कुल मिला के ये आ गया आपका 4 × 8, तो 1/8 t^4, यानी कि 1/what t क्या था मैंने, t पुट किया था मैंने 1 x^-2 − 1 को, ठीक है ना, और पावर कितना है इसका 4 प्लस सी, ठीक है ना, आगे बात समझे। तो क्या आएगा आंसर, 1/8 x^-2 − 1, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के लिए चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट का क्वेश्चन है, आपको पता है लिमिट के लिए आपको अच्छा पता होना चाहिए, सारी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है अपनी कौन सी बन रही है, देखती समझ आएगा आपको लिमिट में क्या होता है, क्वेश्चन में देखती समझाना चाहिए आपको, क्या a^x − 1/x की फॉर्म बन रही है, ठीक है ना। तो कैसे बन रही है वो आप देखो, मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा दिमाग लगाया और उसमें से कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, 2^x, 2^x कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 5^x − 1, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लो आप, तो क्या हो जाएगा, −1 × 5^x − 1 होल अपॉन में क्या आएगा, नीचे आ जाएगा आपका x tan x, ठीक है। और अब मैंने देखो इसके साथ साथ एक काम और किया, मेरे को पता है कि tan x अपॉन x और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है तो क्या होगा, 1 होगा, तो मैंने x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, किसको, tan x को, tan x के साथ। तो यहां से क्या नजर आ गया आपको, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और ऊपर आ जाएगा 5^x − 1 और 2^x − 1, ठीक है। और tan x अपॉन x तो लिमिट क्या हो जाएगा 1, नीचे क्या बचेगा x स्क्वायर, तो उसको आप सेग्रीगेट अलग अलग कर दो, है ना, अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, 5^x − 1/x, 2^x − 1/x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है तो ये वैल्यू क्या होगी अपनी, ये वैल्यू हो जाएगी अपनी ln 5 और ये भी क्या हो जाएगी ln 2, तो अपना क्या आएगा आंसर, ln 5 × ln 2, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है आपसे, 7 में भी बोल रहा है आपसे कि लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द कोनिक S1 वेयर द इक्वेशन ऑफ S1 इज x^(9+y^(4=1), अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस पासिंग थ्रू पी ऑन द कोनिक S1 मीट द सर्कल x^(x^2+y^(=9) एट द पॉइंट क्यू सच दैट पी एंड क्यू आर ऑन द सेम साइड ऑफ एक्स एक्सिस, लेट S2 बी द लोकस ऑफ पॉइंट आर ऑन पी क्यू सच दैट पी आर इज टू आर क्यू इज 1:1 एच पी वेरीज ओवर द कोनिक S1, ठीक है। तो मैं पहले समझा दूं क्वेश्चन आपको, है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपने को सर एलिप्स दे रखा है x^(9+y^(4=1), इसको बोल दिया अपन ने S1, ठीक है, और एक सर्कल दे रखा है x^(x^2+y^(9), तो अब ये बोल रहा है कि इस कोनिक पर कोई एक पॉइंट है पी, कोई एक पॉइंट है पी, उसमें मैंने क्या किया y एक्सिस के पैरेलल मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी, है ना, लाइन ड्रॉ कर दी y एक्सिस पैरेलल, जो कट करती है किसको, सर्किल को कट करती है, कहाँ पर, क्यू पर। अब अपने पास एक पॉइंट r है और r पॉइंट जो है वो इस प्रकार है कि अपने पास PR = RQ = 1:1, इसका मतलब क्या हो गया, r इज द मिड पॉइंट ऑफ p एंड q बोथ, ठीक है। तो शुरू करें क्वेश्चन को, चलो तो क्वेश्चन शुरू करते हैं अपन, देखो अपने पास, मैं लिख लूँ पहले क्वेश्चन, x^(9+y^(4=1) और सर्किल गिवन था अपने को x^(x^2+y^2) और रेडियस था इसका कितना 3 था, तो 9, ठीक है ना, 9 था, ठीक है। चलो आगे, तो अपने पास वो कह रहा है ये एक इलिप्स है अपने पास, और इस इलिप्स पे एक पॉइंट ले लिया मैंने P, ठीक है, और इससे क्या कर दिया, ड्रॉ कर दी क्या लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस आपकी, ठीक है, और जो सर्किल है ना उसका रेडियस कितना है, देखो 3 है, तो जो इसकी मेजर एक्सिस लेंथ है 6 है ना, मेजर एक्सिस जो लेंथ है वो उसके डायमीटर के इक्वल है, ठीक है। तो कुछ ऐसे होगा, ये हो गया आपका सर्किल, ठीक है, और ये हो गया आपका एलिप्स, ठीक है, दिस इज द एलिप्स S1 और दिस इज द सर्किल C, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो अब अपने से कह रहा है कि P पॉइंट जो है इससे जो लाइन पास हुई है वो इसको कट करती है कहाँ पर, Q पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो अब इनका जो मिड पॉइंट है R, उसका जो लोकस होगा वो किसको डिपेंड कर रहा है, किसी अनदर कोनिक S2 को, ठीक है। तो पहले तो मेरे को क्या करना है, S2 निकालना है। तो देखो सुनो मेरी बात, क्या करोगे आप, P पॉइंट और Q पॉइंट के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट के आप क्या मानोगे, आपको पता है ये एलिप्स है तो P पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या ले लोगे आप, P पॉइंट ले लो आप कहाँ गया, A कितना है इसमें 3, तो 3 cos थीटा
कॉमा टू साइन थीटा, बताओ क्यों क्या लोगे आप? थ्री कॉस थीटा, सर्किल है, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा? थ्री साइन थीटा, ठीक है। आगे चलें, अब अपने को इनका जो मिड पॉइंट है वो क्या है? आर, कह रहा था ना पी आर इज टू आर क्यू इक्वल टू वन इज टू वन के रेशियो में एड कर रहा है ना आर पी क्यू को, तो उसका मतलब क्या हो गया? जो आर पॉइंट है वो तो एच कॉमा के लिख दिया मैंने, तो सीधे मैं लिख दूंगा आर इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका? पी एंड क्यू, तो सीधे लिख दें अपन, क्या लिख दें बताओ? एच कॉमा के इज इक्वल टू किसके हो जाएगा बताओ? थ्री प्लस थ्री सिक्स कॉस थीटा अपॉन टू कॉमा क्या हो जाएगा? टू प्लस थ्री फाइव साइन थीटा अपॉन टू, क्लियर। अब अपने पास क्या हो जाएगा? एच इक्वल टू क्या आ गया, अब उसे सॉल्व कर लो, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? टू एच अपॉन सिक्स, यानी कि मैं सीधे लिख दूँ एच बाई थ्री, क्या लिख लेते हैं अपन? एच बाई थ्री। नेक्स्ट साइन थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से? साइन थीटा आ जाएगा आपका टू अपॉन फाइव, यानी कि टू अपॉन फाइव के। दोनों को क्या करें? स्क्वायर करके ऐड कर दें, तो वहाँ से जो पैरामीटर थीटा है वो गायब हो जाएगा, एंड वी विल गेट एन इक्वेशन इन एच एंड के, एंड इट विल रिप्रेजेंट एस टू। ओके, सो वी विल हैव एक्स कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू वॉट? एच स्क्वायर अपॉन नाइन प्लस फोर के स्क्वायर अपॉन ट्वेंटी फाइव। तो क्या आ गया यहाँ से? ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन नाइन प्लस फोर वाई स्क्वायर अपॉन ट्वेंटी फाइव इक्वल्स टू वन, ये आ गया आपका एस टू। ये कौन आ गया आपका? एस टू, ठीक है, आपके सामने एस टू आ गया। अब अपने वो क्या कह रहा था? वो आपको याद हो तो आप क्वेश्चन में कह रहा था आपसे कि अब क्वेश्चन नंबर वन अपने पास एस टू आ गया, क्या आ गया? एस टू आ गया। अब एस टू आ गया है तो अपन क्वेश्चन में चलते हैं, तो एक काम करते हैं, है ना, ये समझ में आ गया आप लोगों को? अब मैं एक काम करता हूँ, एस टू क्या आ गया अपना? एक्स स्क्वायर अपॉन नाइन प्लस फोर वाई स्क्वायर अपॉन ट्वेंटी फाइव इक्वल्स टू वन, इसको आप ध्यान से देख लो। और अपन अब चलते हैं थोड़ा सा बैक में, और क्वेश्चन था अपना ये, इफ टेंजेंट ऑफ कोनिक एस वन इंटरसेक्टिंग दी कोनिक एस टू एट टू पॉइंट्स ए एंड बी, यानी कि एस वन की जो टेंजेंट है, यानी कि इस कोनिक की जो टेंजेंट है वो कट कर रही है किसको? एस टू को, एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ए एंड बी। सच कॉर्ड, सच दैट द कॉर्ड ए बी सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ एस वन। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि जो एस वन का सेंटर है, सेंटर क्या है एस वन का? 0.0, ठीक है ना, ओरिजिन हो गया। तो ओरिजिन पे जो कॉर्ड ए बी है, ठीक है ना, एक तो क्या हो गया अपने पास? कोनिक हो गया जो एस टू अपने निकाला है। तो एस वन के अपन ने देखो ध्यान से देखो, अपने पास जो इलिप्स आया है एस टू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना, एक मिनट के लिए। एस टू आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन नाइन प्लस फोर वाई स्क्वायर अपॉन ट्वेंटी फाइव इक्वल्स टू वन, है ना। अब ये जो एस टू आया है, अब ये आपसे कह रहा है टेंजेंट ऑफ कोनिक एस वन इंटरसेक्टिंग द कोनिक एस टू एट टू पॉइंट्स ए एंड बी। एस टू को कट करता है दो पॉइंट्स ए और बी पर, और ए बी जो कॉर्ड बनेगी इलिप्स, सेकेंड इलिप्स में जो ए बी कॉर्ड बनेगी वो एंगल सबटेंड करती है कितना? 90 डिग्री करती है, कहाँ पर? ओरिजिन पर। तो अब आपसे कह रहा है देन स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, यानी कि अपने को एम निकालना है, जो अपन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं उसमें। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहले अपन क्या करें, छोटा सा काम करते हैं, देखो आप एक काम करो, चलो यहीं कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, देखो सीधे सीधे अपन को क्या करना है, एस वन की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है। तो पहले मेरे को बताओ फटाफट से क्या करें अपन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ एस वन, तो ठीक है, टेंजेंट ऑफ कोनिक एस वन इंटरसेक्टिंग कोनिक एस टू, ठीक है ना। तो एस वन की टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखो आप, क्या हो जाएगी, लिखो इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू एम एक्स, स्लोप फॉर्म में लिख लें, प्लस माइनस अंडर रूट, क्या होता है याद है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है नाइन, एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर। तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है अपनी, कट कर रही है एस टू को एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ए एंड बी, और वो जो ए बी है मतलब कुछ ऐसी ही कहानी है ना, ये मैंने सेकेंड कोनिक ले लिया और ये मैंने फर्स्ट वाला कोनिक ले लिया, ठीक है ना, एस वन, दिस इज एस वन एंड दिस इज एस टू। एस टू की जो माइनर एक्सिस है उसकी लेंथ कितनी आ रही है इसमें आप देखो तो, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ट्वेंटी फाइव मतलब फाइव बाई टू, तो फाइव बाई टू क्या होगा, फाइव बाई टू स्मॉल होगा, यहाँ पर कितना आ गया ट्वेंटी फाइव बाई फोर, यानी कि सिक्स पॉइंट समथिंग, और यहाँ पर कितना आ रहा है, फोर आ रहा है ना, बी स्क्वायर की वैल्यू फोर है, वहाँ बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है ट्वेंटी फाइव बाई फोर सिक्स पॉइंट समथिंग। तो क्या हो गया, जो एस टू है वो क्या होगा, थोड़ा सा लार्जर होगा, बड़ा होगा, है ना, इसलिए मैंने बाहर लिया उसको। तो कुल मिला के कहानी कुछ ऐसी है, देखो ऐसे ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, तो ये एंगल कितना बना रहे हैं यहाँ पर 90 डिग्री, कितना एंगल फॉर्म कर रहे हैं 90 डिग्री। तो अब अपने को बताना है एम की वैल्यू क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, सुनो ध्यान से, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैंने लिख दी किसके लिए, एस वन के लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यदि लिख दिया आपने एस वन के लिए, और ये कट कर रही है किसी दूसरे कर्व को,
एस टू वाले कर्व को, ठीक है ना, और वो सेंटर पर एंगल कितना बना रहे हैं 90 डिग्री। तो आपको याद होगा होमोजेनाइजेशन पढ़ा था आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना। तो होमोजेनाइजेशन में अपन क्या करते थे, यदि कोई अपने पास कर्व है और कर्व पे मान लो दो लाइंस ओरिजिन से ड्रॉ करी मैंने और वो कट कर रही हैं इसको, तो अपन क्या करते थे होमोजेनाइजेशन की हेल्प से क्या करते थे, इस कर्व को 2 डिग्री में चेंज कर लेते थे, है ना। जैसे कि इस कर्व की इक्वेशन होती थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो वहां से अपन क्या करते थे लाइन lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 की वैल्यू इक्वल टू 0 से 1 की वैल्यू निकालते थे और उसको फिर होमोजेनाइज करते थे, है ना, कर्व को। तो वही काम मैं यहां करने जा रहा हूं, देखो क्या हो जाएगा, y माइनस mx अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 4। ऐसा करते हैं 1 की वैल्यू निकालें तो प्लस माइनस मैंने इधर ही ले लिया, ठीक है ना, तो ये 1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, इस 1 की वैल्यू को, जो 1 की वैल्यू आई है उसकी हेल्प से अपन क्या कर रहे हैं एस टू को होमोजेनाइज कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अब मैं एक काम करता हूँ, इस इक्वेशन को दोबारा से मैं लिख लूँ थोड़ा सा इधर, ठीक है, देखो आ जाओ, देखो आ जाओ, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 4 इक्वल टू 1, ये था अपना एस टू, और अपने पास जो होमोजेनाइजेशन के बाद क्या आई है वाई माइनस एम एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर क्या आया था 9 एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कितना आया था 4, ठीक है ना, प्लस माइनस इक्वल टू 1, ठीक है ना, ठीक है, तो 1 की वैल्यू। अब इसकी हेल्प से अपन क्या कर रहे हैं, इसको होमोजेनाइज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 4 अपॉन 25 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 इधर आएगा कि माइनस का हो गया, उसका क्या कर दो आप होल स्क्वायर करके, तो क्या हो जाएगा वाई माइनस एम एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ 9 एम स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गई, ये हमने क्या कर दिया एस टू को होमोजेनाइज कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब अपन क्या करें, अब अपने को पता होना चाहिए क्या करते हैं अपन, यदि वो पेयर ऑफ लाइन क्या कर रही है एंगल 90 डिग्री का फॉर्म कर रहे हैं कहाँ पर ओरिजिन पर, तो वहाँ से क्या होगा इसका मतलब कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर दोनों का सम क्या होगा 0 होगा, और दोनों का यदि सी 0 होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो ध्यान से क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 9 प्लस एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना आ जाएगा एम स्क्वायर अपॉन में 9 एम स्क्वायर प्लस 4 प्लस कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 अपॉन 25 प्लस, तो क्या हो जाएगा कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर का सम क्या हो जाएगा 0 होगा, ए प्लस बी 0, तो 1 अपॉन 9 प्लस 4 अपॉन 25, देखो क्या आ गया 1 अपॉन 9 आ गया कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहां से कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा देखो ध्यान से, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा एम स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ऑफ दिस, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो रूट से हट जाएगा, तो यहां से माइनस साइन आएगा तो ये क्या होगा माइनस, है ना, चलो इसको हटा देते हैं अपन एक बार, चलो ए प्लस बी इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ गया 1 अपॉन 9 प्लस प्लस नहीं क्या आएगा माइनस, है ना, माइनस एम स्क्वायर अपॉन 9 एम स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, ये आ गया। अब कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या आएगा, यहां से आएगा 4 अपॉन 25, नेक्स्ट यहां से क्या आएगा माइनस साइन तो है अपने पास तो माइनस लगा देते हैं, वाई स्क्वायर का ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ तो 1 है तो 1 अपॉन में 9 एम स्क्वायर प्लस 4, 1 अपॉन 9 एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो यहां से क्या है एम की वैल्यू निकालोगे, तो एम की जो वैल्यू निकालोगे वो क्या आएगी नॉन रियल आएगी, है ना, एम की जो वैल्यू होगी डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, तो क्या कह सकते हैं अपन आराम से यहां से कि एम की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए क्या है टेंजेंट एग्जिस्ट करती है ना, जो क्या करे एस टू को कट करेगी ए और बी पर, ठीक है, तो यहां से आप इसको सॉल्व कर लोगे आराम से। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन, तो इसमें और कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, नो सच टेंजेंट एग्जिस्ट, कोई ऐसी टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है ना, तो क्या आएगा इसका आंसर फोर्थ आएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, 8th क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है आपसे ये, 8th क्वेश्चन में कह रहा है लेट परपेंडिकुलर सी ए एंड डी बी आर ड्रॉन फ्रॉम ए रूट 11 अपॉन 2,0 एंड बी माइनस रूट 11 अपॉन 2,0 टू एनी टेंजेंट टू द कोनिक एस टू इक्वल टू 0, ठीक है,
देन द वैल्यू ऑफ 4 इंटू सी ए इंटू डी वी। तो देखो सिंपल सी बात ये कह रहा है, चाह रहा है इसमें एक जो चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है अपने को है ना, वो मैं आपको बता दूं कि किसी भी कोनिक में यदि अपने से ये कहे, ठीक है ना, अपने से कहता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो ये एक इलिप्स है अपने पास और ये इसके क्या हो गए फोकाई एस वन एस टू, ठीक है, और इससे मैंने क्या किया टेंजेंट पे क्या कर दिया, दो परपेंडिकुलर डाल दिए, ठीक है ना। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि इन जो परपेंडिकुलर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है सेमी माइनर एक्सिस के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसकी अपने को जरूरत पड़ेगी इसमें, तो अब आ जाओ फटाफट से करते हैं शुरू। तो क्या कह रहा है ये देखो, लेट परपेंडिकुलर सी ए एंड डी बी आर ड्रॉन फ्रॉम ए रूट 11 अपॉन 2,0 एंड बी माइनस रूट 11 अपॉन 2,0। तो एक काम करते हैं मैं छोटा सा पहले, तो कि अपने जो फाइंड किया था क्या इक्वेशन ऑफ एस टू एंड इक्वेशन ऑफ एस वन जो लिखी हुई है उसको मैं नोट कर लें। चलो तो एस टू की पहले क्या निकाल लें अपन, करें शुरू। देखो एस टू क्या आया था आपका, एस टू आया था एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 4 वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल्स टू 1, ये आया था। अब इसको मैंने क्या किया, इसकी आप फोकाई निकालो, फोकाई निकालोगे तो क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं अपन इसकी इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होगी, अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना है इसमें 25/4 अपॉन में ए स्क्वायर कितना है 9, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, सॉल्व करें इसको थोड़ा सा जल्दी से, तो ये हो जाएगा 9 4 36 माइनस 25 कितना आ गया 11 अपॉन में 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3। तो ई आ गया अपना रूट 11 अपॉन 3। दूसरी बात अपन इसमें और क्या निकाल लेते हैं, अपन ई की वैल्यू आ गई अपने पास, अब ई की वैल्यू ये आ रही है रूट 11 अपॉन 3। दूसरी बात मैं बताऊँ आपको कि फोकाई क्या होती है अपनी, प्लस माइनस ए ई कोमा जीरो होती है फोकाई, किसके केस में, एलिप्स के केस में। तो फोकाई होती है प्लस माइनस ए ई कोमा जीरो, ए की वैल्यू कितनी यहाँ पर 9, तो ए की वैल्यू कितनी यहाँ पर 3। तो क्या हो जाएगा, फोकाई हो जाएगी अपनी एस हो जाएगी ए इंटू ई 3 इंटू दिस, यानी कि रूट 11 वन मिनट कुछ गलती हुई है क्या 9, क्योंकि ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई ना, ये ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पॉसिबल नहीं है ना, हाइपरबोला हो जाएगा 4 9 36 आएगा यहाँ पर है ना, क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है ना 6 आएगा। तो क्या आ रहा है रूट 11 अपॉन 2 आ गया, ठीक है, कॉमा 0 और सेकंड क्या आ जाएगा एस डैश क्या आ जाएगा, दूसरा फोकस आ जाएगा अपना माइनस रूट 11 अपॉन 2,0, ठीक है ना। तो अब देखो क्वेश्चन में जो कह रहा था ना सी बी एंड सी डी, तो अब देखो क्या हो जाएगा अपना फोकस आ गया ये, तो ये जो पॉइंट्स है ना ए और बी वो यही पॉइंट्स हैं, दोनों क्या दे रखे हैं अपने को जो क्वेश्चन में दे रखे थे ना ए और बी वो यही पॉइंट्स हैं। तो अब आपको समझ आ गया क्या कि इन दोनों पॉइंट्स की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी सी ए और सी बी, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा इक्वल टू होगा बी स्क्वायर के। तो अपन क्या करें इन दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी देखो ध्यान से, एस इक्वल टू क्या है ये क्या हो जाएगा बताओ, सी ए इंटू डी बी क्या हो जाएगा, सी ए अपने को क्या फाइंड करना था 4 इंटू सी ए इंटू डी बी ये फाइंड करना था, और सी ए डी बी क्या है परपेंडिकुलर्स की लेंथ है, तो सी ए इंटू डी बी किसके इक्वल होगा ये बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है इसमें बी क्या है अपना बी है सेमी माइनर एक्सिस। तो क्या हो जाएगी सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ, यहाँ से क्या आ जाएगी ये आ जाएगी आपकी 5/2। तो 5/2 आ गई तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करें फटाफट से इसको, तो 4 इंटू एक मिनट ये जो आता है ना ये ऐसे आता है, ठीक है ना, सी ए इंटू सी बी किसके इक्वल होगा 4b² के, अपने को क्या फाइंड करना है 4 इंटू b² फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू b, बी कितना है अपना बी आया था 5/2 यानी कि 25/4, तो कितना आएगा 25, क्या आएगा अपना आंसर 25 आएगा, ठीक है ना। तो अपने को क्या ध्यान रखना है थोड़ा सा कि कैलकुलेट अपने को जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो थोड़ा सा ड्रॉ कर लें डायग्राम, और दूसरी बात ज़्यादा हाई वो नहीं हो, हाइपर टेंशन नहीं लें ना, क्या अपन ना सीधे करा क्या अपन ने देखो ध्यान से, पहले एस टू निकाला, एस टू फाइंड करने के बाद अपने उसकी फोकाई निकाल ली, फोकाई निकालने के बाद क्या कर लिया अपन ने प्रॉपर्टी यूज कर ली, क्योंकि उसमें जो कह रहा था ना सी ए इंटू डी बी, अब अपने को सी और डी पता नहीं, सॉरी ए और बी पता नहीं चल रहा है ना, लेकिन अपने को थोड़ा सा क्या क्वेश्चन किए हुए हों तो अपने को ध्यान रहेगा, अच्छा हाँ ए और बी तो अपने क्या इसमें निकलने वाले हैं फोकस, ठीक है ना। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो तो अपना इसका आंसर कौन सा आएगा,
25 है ना, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसका। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ सेकंड के लिए। सेकंड पैराग्राफ में क्या कह रहा है देखो, लेट एस बी द सेट ऑफ फर्स्ट 21 नेचुरल नंबर्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ, चलो इसको नहीं कर लेते हैं, लेट एस बी द सेट ऑफ फर्स्ट 21 नेचुरल नंबर्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग टू डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स x एंड y फ्रॉम s सच दैट x क्यूब प्लस y क्यूब इज डिविजिबल बाय 3। तो समझो क्वेश्चन को, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होते हैं ना प्रोबेबिलिटी के, तो उनमें से एक क्वेश्चन ये लिया है हमने। तो क्या कह रहा है ये, s जो सेट है वो क्या है अपना, फर्स्ट 21 नेचुरल नंबर्स यानी कि 1, 2, 3 अप टू 21, आ रही बात समझ में। इनमें से आपने क्या किया, कोई भी दो नंबर सेलेक्ट किए, ठीक है ना, कोई भी दो नंबर्स सेलेक्ट किए x और y, और उनमें क्या कह रहा है वो कि उन दोनों के क्यूब का जो समय है दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो एक काम करते हैं अपन, समझो ध्यान से, पहली बात तो मेरे को ये बताओ कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को क्या मैं ये लिख दूँ, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि एक्स इंटू वाई, क्लियर। अब एक बात सोचो आप कि ये चीज़ डिविजिबल होनी चाहिए 3 से, तो इसका मतलब ये चीज़ होनी चाहिए डिविजिबल 3 से। अब इसको तो छोड़ो, अब मैं क्या कह रहा हूँ, x और y दो नंबर यहाँ आ रहे हैं मेरे सामने x प्लस वाई, तो यदि x प्लस वाई डिविजिबल है इसका मतलब कंप्लीट नंबर डिविजिबल है किससे, 3 से। तो x प्लस वाई डिविजिबल 3 से कब होगा, जब दोनों के दोनों 3 के मल्टीपल हों या दोनों का सम 3 से मल्टीपल हो, 3 का मल्टीपल हो, आ रही बात समझ में। तो नंबर्स को चूज करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, तो सुन लो मेरी बात, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहला केस, जब दोनों के दोनों नंबर क्या हों, 3 से डिविजिबल हों, तो ये बताओ 3 से डिविजिबल नंबर्स कौन कौन से होंगे यहाँ पर, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, तो कितने नंबर हो गए, 3, 7, 21, 7 नंबर हो गए। तो 7 नंबर ऐसे हैं जो क्या हैं अपने, 3 से डिविजिबल हैं, तो दोनों के दोनों नंबर क्या हो जाएं, 3 से डिविजिबल आ जाएं, है ना, पॉसिबिलिटी लिख देता हूं मैं, है ना, बोथ नंबर्स डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल है 3, ठीक है, या फिर क्या हो, प्लस दोनों का जो सम है वो क्या हो, 3 से डिविजिबल हो। अब दोनों का सम कब डिविजिबल होगा 3 से, सुनो मेरी बात, एक नंबर मैंने ले लिया 1, दूसरा ले लिया 2, डिविजिबल होगा 3 से। दूसरी बात, एक नंबर ले लिया मैंने 1 और दूसरा नंबर ले लिया मैंने 5, तब भी डिविजिबल होगा 3 से। तो इसको जो मैं सोच रहा हूँ वो क्या सोच रहा हूँ, सुन लो मेरी बात, यदि x बिलोंग कर रहा है, x जो है वो है फॉर्म ऑफ 3λ-1 की फॉर्म से, और जो y है वो है 3λ+1 की फॉर्म का, तो ये पक्का क्या होगा, हमेशा और हमेशा क्या होंगे, डिविजिबल होंगे 3 से। क्यों, क्योंकि तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा, 3λ+3λ कितना हो गया, 6λ, तो वो क्या होगा, हमेशा डिविजिबल होगा 3 से। तो मैंने क्या किया, दो सेट आपके सामने लिखने जा रहा हूँ मैं, एक सेट ए लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, सेट ए में मैंने नंबर्स ले लिए 3λ-1 की फॉर्म वाले, 3λ-1 की फॉर्म, तो कौन कौन से हो जाएंगे वो, एक तो प्लस वन वाली ले लेते हैं पहले, है ना, पहले प्लस वन की फॉर्म की ले लेते हैं, तो 1, दूसरा क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 7, देन 10, 3, 3 के डिफरेंस पे ले लिए, है ना, और लास्ट में क्या आएगा बताओ, निकाल लोगे आराम से निकाल लोगे आप लोग, है ना, नेक्स्ट ले लेते हैं बी, बी सेट जो बनाया मैंने वो 3λ-1, यानी क्या हो गया, पहला नंबर होगा 2, फिर आएगा 5, फिर आएगा 8, फिर आएगा 11 एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, करना क्या जा रहा हूँ मैं, आप एक नंबर इससे सेलेक्ट कर लो कोई भी, और एक नंबर इससे सेलेक्ट कर लो, तब भी वो नंबर क्या होगा, उनका जो सम होगा वो क्या होगा, हमेशा 3 से डिविजिबल होगा, समझ आ रही है बात, 1+ any number फ्रॉम दिस नंबर्स, ठीक है ना, तो 1+2 इज डिविजिबल बाय 3, 1+5 इज डिविजिबल बाय 3, 1+8 इज डिविजिबल बाय 3। तो एक नंबर क्या ले लिया मैंने, सेट ए से, दूसरा ले लिया सेट बी से। तो अब देखो यहाँ से अपन इसको जो मैं लिख रहा था है ना, ये क्या है, ये वाला केस से, ठीक है, तो अब अपने पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पी इक्वल्स टू, बताओ क्या आ जाएगी, बोथ नंबर्स डिविजिबल बाय 3, यानी कि जो 7 नंबर बताए थे मैंने आपको भी, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, तो उन 7 में से कोई भी दो नंबर ले लूँ तब भी वो नंबर्स क्या होंगे, डिविजिबल बाय, वो नंबर क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिविजिबल बाय 3 बनेगा, या फिर प्लस ये, और सेकंड केस क्या बन सकता है, एक नंबर इससे ले लो, एक नंबर इससे ले लो, तो ये नंबर्स कितने होंगे बताओ जरा, 1, 4, 7, 10 वाले नंबर्स कितने होंगे, तो आप ए एन का फॉर्मूला लगा लो या फिर सीधे कर लो, है ना, 1, 4, 7 कितने हो जाएंगे, ये अपने 7 ही होंगे, तो क्या होगा 7C1 इंटू दूसरा नंबर इससे ले लो आप, तो क्या हो जाएगा 7C1, ये हो गया। नेक्स्ट अपॉन में क्या आएगा, टोटल आउटकम, तो टोटल आउटकम क्या हो जाएगा अपना,
21 नंबर हैं, 21 में से अपने को क्या करना है, दो नंबर सेलेक्ट करने हैं, तो 21 C2। तो क्या आ गया अपना टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ गई इसकी, देख लो आप 7C2। सॉल्व कर लो इसको आराम से, अब 7C2 कितना आ जाएगा, 21 प्लस ये कितना आ जाएगा 49, अपॉन में कितना आ गया 210 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, कितना हो गया 50 और 70, तो ये आ गया 210, यानी कि ये आ जाएगा आपका 1/3, कितना आ जाएगा 1/3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/3 आ गई। मैं रिपीट कर देता हूँ, मैंने क्या किया, आपका सैंपल स्पेस था 1 से लेकर 21 तक, उसमें से फेवरेबल आउटकम कौन से होंगे, या तो दोनों नंबर 3 से डिविजिबल हो, या फिर क्या हो, दोनों का जो सम है वो 3 से डिविजिबल हो। तो वो कब होगा, मैं क्या करूँ, एक एलिमेंट ले लूँ 3λ-1 की फॉर्म का, और एक ले लूँ 3λ+1 की फॉर्म से, है ना। तो इन दोनों से कोई भी एक एक नंबर चूज कर लूंगा, तो दोनों का सम क्या होगा, ऑलवेज डिविजिबल बाय थ्री। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो उसका आंसर क्या आ रहा है, 1/3, ये है ना फोर्थ ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, लेट एस बी द सेट ऑफ फर्स्ट 21, ठीक है, सेलेक्टिंग 3 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स एक्स एंड वाई एंड जेड। अपने को क्या है, 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं, एक्स वाई और जेड, और उनका क्या कह रहा है, वो एपी में हो वो नंबर्स। हो गई बात खत्म, 3 नंबर्स एपी में कब होंगे, सुनो मेरी बात, 1 से लेकर 21 तक के नंबर्स हैं, और वो नंबर्स किस में होने चाहिए, एपी में। तो आपको ये बात हमेशा के लिए ध्यान रखनी चाहिए, क्या कि दो इवन नंबर्स का अर्थमेटिक मीन लोगे तो वो भी क्या आएगा, हमेशा इवन नंबर आएगा। आ रही मेरी बात समझ में, हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा ना, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन आपके पास यदि नंबर्स कैसे हैं, आपके पास जो सेट एस है वो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 up to 21। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, एक्स वाई जेड ऐसे सेलेक्ट करने हैं कि वो किस में हो, एपी में। तो एक काम करूं मैं छोटा सा, आप इसमें से कोई भी दो इवन नंबर ले लो, कोई भी दो इवन नंबर सेट कर लो, तो उनका जो अर्थमेटिक मीन आएगा, उनका जो अर्थमेटिक मीन आएगा वो इस सेट में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, पक्का करेगा, है ना। 2 और 20 ले लिया तो कितना हो जाएगा वो, 22 upon 2 11। तो उनका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो इस सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि अपने को 3 नंबर्स मिल गए, कौन कौन से, जो दो सेलेक्ट किए हैं वो और उनका अर्थमेटिक मीन, एंड ऑल द 3 नंबर्स आर रिलेटेड, आर बिलोंगिंग टू दिस सेट। इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात, आप या तो दोनों नंबर इवन ले लो या फिर दोनों नंबर्स ऑड ले लो। तो हमेशा ही क्या होगा, वो जो 3 नंबर सेलेक्ट होंगे वो क्या, वो दोनों नंबर सेलेक्ट होंगे वो एक तीसरा नंबर देंगे अर्थमेटिक मीन, और वो क्या होगा, उस सेट को बिलोंग करेगा। तो अपन कह सकते हैं कि एक्स वाई जेड अपने 3 नंबर चूज कर लिए किससे, सेट एस से, और उनका वो किस में है, एपी में। तो 3 नंबर एपी में होने के लिए क्या हो जाएगा, सी सी देखो आप, या तो क्या करूँ मैं, प्रोबेबिलिटी, हाँ भाई, फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगी, या तो दोनों के दोनों नंबर्स कैसे हों, इवन। तो इवन नंबर्स कौन कौन से आ रहे हैं, 2, 4, 6, 8 up to 20, तो कितने हो गए, 10। तो उन 10 में से कोई भी दो नंबर ले लो आप, तो तीसरा नंबर तो अपने आप सेलेक्ट हो गया, अरे समझे, तीसरा नंबर तो अपने आप सेलेक्ट हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लस या फिर क्या करो, दोनों नंबर्स ऑड ले लो, ऑड नंबर्स कितने हैं यहाँ पर, 11 है, तो 11C2, तीसरा नंबर अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अपॉन में क्या आएगा, टोटल आउटकम्स कितनी है अपने पास, 21 से कितने नंबर सेलेक्ट करने थे अपने को, 3 21C3। तो कितना आंसर आ जाएगा, देखो 10C2 का मतलब कितना हो गया अपना, 5 9 45, प्लस 11C2 कितना हो गया, 55, अपॉन में कितना आ जाएगा, 21C3 कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, है ना। तो 19 × 10 × 7, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21 × 20 × 19, अपॉन में आएगा 6, तो ये हो गया आपका कितना, 10, और ये हो गया 7। ऊपर कितना आ रहा है आपका, 100 आ रहा है, 100 अपॉन में, अच्छा एक तो 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 133, तो 10 upon 133 आ गया, क्या आ गया, 10 upon 133। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट। तो अब अपन शुरू करते हैं सेक्शन बी में, देखो क्या करेंगे, सेक्शन बी में अपने पास MCQs हैं, ठीक है, इसमें क्या है अपने पास, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसमें 8 क्वेश्चन हैं, जिसमें से अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन। गिवन क्या है अपने को, ए गिवन है 0.2 पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, एंड 2 पॉइंट्स बी एंड सी ऑन द पैराबोला y² = x + 4, सच दैट ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी,
देन पॉइंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी कैन सेटिस्फाई। तो देखो पहली बात तो ये हो गई कि अपन क्या करें, इसका पैराबोला बना लें थोड़ा सा, ठीक है। पैराबोला कैसे बनेगा, देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता तो कहाँ से पास करता, ओरिजिन से। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस फोर है तो कहाँ से पास करेगा, माइनस फोर कॉमा जीरो से, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, वर्टेक्स क्या आ गया, माइनस फोर कॉमा जीरो पे ना वर्टेक्स इसका, इसलिए ना। अब देखो ये जो पॉइंट है जीरो कॉमा टू वो कहाँ लाई कर रहा है अपना, ए जो पॉइंट है जीरो कॉमा टू कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पर जीरो कॉमा टू कहाँ लाई करेगा, जीरो कॉमा टू कहाँ लाई करेगा, पैराबोला के ऊपर है ना। तो जीरो कॉमा टू पॉइंट ले लिया मैंने। अब वो कह रहा है कि इस पर कोई एक पॉइंट है, क्या कह रहा है, आर टू एनी टू पॉइंट्स बी एंड सी ऑन द पैराबोला दिस सच दैट ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। बी एक पॉइंट ऐसा है जो क्या है, ए बी और परपेंडिकुलर बी सी के, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे ले लेता हूँ है ना, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं बी पॉइंट और ये ले लेता हूँ मैं सी पॉइंट और ये हो गया आपका ए पॉइंट। तो ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। आगे चलते हैं, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C कैन सेटिस्फाई। y कोऑर्डिनेट निकालना है अपने को किसका, पॉइंट C का। तो एक काम करते हैं अपन, इसमें ना मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं अपन, इसको मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू है x x प्लस फोर। तो एक काम करो y को y1 ले लेते हैं और x निकल आएगा उससे है ना, तो क्या हो जाएगा y1 स्क्वायर माइनस फोर। तो v b के कोऑर्डिनेट आ गए आपके y1 का स्क्वायर माइनस फोर कॉमा वाई वन, ठीक है, क्लियर है बात। आगे चलें, सी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे अपने, देखो सोचो इसको मैं क्या ले लूँ, वाई टू ले लूँ, तो वाई टू लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाई टू का स्क्वायर माइनस फोर कॉमा वाई टू, सही है, ठीक है। अब देखो सुनो, अपने को पॉइंट सी के वाई कोऑर्डिनेट के निकालने हैं ना, कोऑर्डिनेट किसी को सेटिस्फाई कर सकता है ना, ये निकालना है। चलो तो ए बी इंटू बी सी, ए बी और बी सी का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, माइनस वन आएगा, बिकॉज दी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बताओ स्लोप ऑफ ए बी, तो मैं लिख दूं यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू क्या होगा, माइनस वन। तो बताओ स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा टू है तो टू माइनस वाई वन, या ऐसे लिख दो वाई वन माइनस टू अपॉन, इसको माइनस करो उसमें से एक्स कोऑर्डिनेट, तो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा वाई वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू स्लोप ऑफ बी सी क्या हो जाएगा, y2 टू माइनस वाई वन अपॉन, नीचे आ जाएगा y2 टू स्क्वायर माइनस वाई वन का स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। अब देखो y1 की वैल्यू 2 तो होगी नहीं, नहीं तो सेम पॉइंट हो जाएगा है ना, तो यहाँ से क्या आ गया 1 अपॉन में y1 वन प्लस टू आ गया इन टू, यहाँ से देखो ये भी सेम पॉइंट नहीं है, दोनों डिफरेंट पॉइंट्स हैं ना, तो क्या होगा 1 अपॉन में y1 वन प्लस वाई टू आ जाएगा नीचे। अब आपको कुछ नहीं करना, आंसर आ चुका है आपका, इसको आप मल्टीप्लाई करके वहाँ ले जाओगे, ये क्या है अपना y1 प्लस टू है, ठीक है ना, क्या है y1 प्लस टू, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके वहाँ ले जाओ तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहीं लिख दूँ इसको मैं है ना, क्या आ जाएगा देखो y1 प्लस टू इन टू, ये हो जाएगा आपका y1 प्लस वाई टू इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस वन। तो ऐसा करते हैं प्लस वन इक्वल टू जीरो करते हैं अपन, दोनों को मैं एक साइड में ले लिया है ना, इसको मल्टीप्लाई करके इधर ले आया तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या आ गया यहाँ से, यहाँ से आ गया आपका y1 वन स्क्वायर प्लस वाई वन वाई टू प्लस टू वाई वन प्लस टू वाई टू प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, प्लस वन इक्वल टू जीरो है ना। दोबारा लिख दूँ इसको मैं, y1 वन वाई टू प्लस टू वाई वन, वाई वन वाई टू वाई वन स्क्वायर प्लस वाई वन वाई टू प्लस टू वाई वन प्लस 2y2 प्लस 1 इक्वल टू जीरो, ये आ गया। अब आप कुछ मत करो, y1 में क्वाड्रेटिक बन रही है तो y1 का स्क्वायर प्लस क्या लिख दोगे इसको, y2 प्लस 2, y2 प्लस सॉरी y2 प्लस 2 है यस इनटू y1 प्लस में क्या आ जाएगा 2y2 प्लस 1। अब आपको कुछ नहीं करना, छोटा सा काम करना है, आपको पता है कि y1 अपने को क्या किसका निकालना है, c पॉइंट, c पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लिए मैंने, c पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिए मैंने y2 के टर्म्स में है ना। तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, y1 में क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक बन रही है। अब अपने को पता है कि y1 की वैल्यू क्या होगी, रियल कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसका अपन क्या कर लें सीधे सीधे d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो वहाँ से क्या होगी y2 की अपनी रेंज मिल जाएगी, और y2 की रेंज मिलेगी तो उसको आप आराम से चेक कर सकते हो कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ठीक है, कर लेंगे।
चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर टू के लिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन टू में क्या कह रहा है आपसे, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू रियल पॉलिनोमियल्स सच दैट द पॉलिनोमियल एच एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर जी ऑफ एक्स टू द पावर सिक्स इज डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। तो देखो एक काम करते हैं पहले तो अपन, एफ एक्स और जी एक्स के अपने पास दो रियल पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। तो अब पॉलिनोमियल जो एच एक्स है वो क्या है अपना एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स जी ऑफ एक्स टू द पावर सिक्स। अब ये डिविजिबल है किससे, इससे। अब एक बात बताओ, कोई पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हो गया, इसके जो फैक्टर्स आएंगे, इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो क्या करेंगे, इसको डिविजिबल डिवाइड करेंगे और उनसे भी ये डिविजिबल होगा। तो अपन कह सकते हैं कि इसके मैं रूट्स निकाल लूँ इस इक्वेशन के, यदि इस पॉलिनोमियल के रूट्स निकाल लूँ तो क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे पॉलिनोमियल को एच एक्स को। तो एक काम करते हैं अपन, आपको पता ही है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो को मैं रूट्स निकालूँ तो क्या निकलेंगे बताओ, आपको पता है, याद है ना क्या होता है, ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में पढ़ा है क्वाड्रेटिक में, क्या अपने रूट्स क्या आते हैं इसके, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। एक्स इक्वल्स टू माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी स्क्वायर कितना वन माइनस थ्री, तो क्या हो जाएगा रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, सही है। तो ये क्या आते हैं इसके रूट्स आते हैं, एक को बोलते थे अपन ओमेगा और दूसरे को बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, तो अब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या हो गए, इसके रूट्स हो गए, वो क्या करेंगे इसको सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे तो क्या कह सकते हैं अपन, एच ओमेगा विल बी जीरो, और यू कैन ऑल्सो से एच ओमेगा स्क्वायर विल बी जीरो, आइए समझ में। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अब ये रखो एच ओमेगा विल बी इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ ओमेगा क्यू प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू जी ऑफ ओमेगा टू द पावर सिक्स। अब अपने को पता है कि ओमेगा टू द पावर ओमेगा क्यूब क्या होता है, वन होता है, साथ में वन प्लस ओमेगा स्क्वायर भी क्या होता है जीरो होता है। चलो तो यहाँ से अपन थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या आ गया यहाँ से, एफ ओमेगा तो हो गया वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या हो गया ये भी जी वन हो गया इक्वल टू जीरो। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, कोई भी एक वैल्यू आप ले सकते हो यहाँ से, है ना, वन प्लस माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। तो एक काम करो एफ वन प्लस ओमेगा स्क्वायर ले लेते हैं अपन, वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू इंटू क्या है अपना जी वन इक्वल टू में क्या है ये जीरो, इक्वल टू क्या है जीरो। तो मैं क्या करूँ अब एल एच एस को आर एच एस से कंपेयर करके क्या कर लूँ, रियल को रियल के इक्वल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल करूँ, तो कंपेयर करके आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, एफ वन प्लस हाफ ऑफ जी वन इक्वल्स टू जीरो कॉमा सेकेंड इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, यहाँ से तो कुछ है नहीं इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पर क्या आएगा इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा रूट थ्री बाई टू जी वन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से जी वन की वैल्यू क्या आ गई जीरो, और जी वन की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पुट करोगे तो एफ वन भी क्या आ जाएगा जीरो, यानी क्या हो गया एफ वन इक्वल टू जी वन इक्वल टू क्या आ गया जीरो आ गया। तो अपन ये कह सकते हैं कि एफ वन और जी वन दोनों जीरो के इक्वल हैं, तो अपन ये भी कह सकते हैं एफ वन, तो देखो एफ वन इक्वल टू जी वन इक्वल टू जीरो, और दूसरी बात एफ वन इक्वल टू माइनस ऑफ जी वन भी ले सकते हैं ना जीरो के इक्वल है तो नो, ठीक है ना। तो कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे, फर्स्ट और सेकेंड। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, सेकेंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, लेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो बी अ स्ट्रेट लाइन वेरिएबल स्ट्रेट लाइन वेयर ए बी सी आर फर्स्ट थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ सम ए पी इंक्रीजिंग ए पी, ठीक है। तो देखो चलते हैं आगे, देखो ए बी सी क्या है अपने, फर्स्ट थर्ड और सेवेंथ टर्म है ए पी के, ठीक है। तो टी वन इज ए, टी थ्री इज बी एंड टी सेवन इज सी। आगे आपसे कह रहा है देन दी वेरिएबल स्ट्रेट लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, तो वो पॉइंट किस कर्व पर लाई करेगा ये अपने को बताना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड पॉइंट, ठीक है ना। चलो तो टी वन ए है, तो फर्स्ट टर्म तो ए है तो ए हो गया, थर्ड टर्म क्या है बी, तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा बताओ, यहाँ से मिल जाएगा ए प्लस कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं इसका डी, तो ये कितना हो गया ए प्लस टू डी इक्वल टू बी, और यहाँ से बताओ क्या हो जाएगा टी सेवन ए प्लस सिक्स डी इक्वल टू सी, क्लियर। अब अपने को एक बताओ ए की वैल्यू इसमें सबसे माइनस कर दूँ तो डी का वैल्यू आ जाएगा, माइनस कर लेते हैं तो डी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से सी माइनस बी अपॉन कितना आ जाएगा फोर, ये क्या आ गया डी का वैल्यू आ गया। तो एक बात बताओ मेरे को, ए मिल गया और डी मिल गया मेरे को, अब ए है और डी है, तो अब अपने को इसमें क्या कह रहा था कि सेटिस्फाई करता है इसको हमेशा, ठीक है, क्या करता है इसको हमेशा सेटिस्फाई करता है, सॉरी कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो एक काम करते हैं मैं छोटा सा, बताओ क्या करें,
ए बी सी की जो वैल्यू है उनको अपन पुट कर दें यहाँ पर उठा के आराम से, क्योंकि सेटिस्फाई करेंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई, बी वाई का मतलब क्या हो गया, बी बी की वैल्यू कितना आया था, ए प्लस टू डी, तो ये हो गया ए प्लस टू डी इंटू क्या हो जाएगा बोलो वाई, प्लस सी का वैल्यू क्या आ रहा है, सी का वैल्यू आ रहा है मेरा ए प्लस सिक्स डी, तो डी निकालने की जरूरत नहीं थी ना अपने को, कोई दिक्कत नहीं है, ए प्लस सिक्स डी है ना। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ से जीरो, तो अब सॉल्व कर लो इसको, क्या हो जाएगा ये ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए प्लस टू डी वाई प्लस सिक्स डी इक्वल टू जीरो। एक्चुअल में फैमिली ऑफ लाइंस का क्वेश्चन है ना, तो अपन क्या करते हैं इसको एल वन प्लस लेमडा एल टू की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, प्लस वन, और यहाँ से डी कॉमन आएगा तो क्या बचेगा बताओ, टू वाई प्लस सिक्स। एक काम करते हैं डी से डिवाइड कर देते हैं ना, डी से डिवाइड करते हैं, इंक्रीजिंग ए पी है ना, ये इंक्रीजिंग ए पी है तो कॉमन डिफरेंस क्या रहा होगा इसका, पॉजिटिव, तो बताओ क्या हो जाएगा ये, ए से डी से डिवाइड कर देते हैं, डी से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना, ये कुछ ऐसा बन जाएगा एल वन प्लस लेमडा एल टू इक्वल टू जीरो बन गया। अब आपको पता है कि इनका जो फिक्स्ड पॉइंट आएगा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, L1 और L2 को आप सॉल्व कर लोगे, तो यहाँ से साफ दिख रहा है y की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस थ्री, तो y की वैल्यू माइनस थ्री पे x की वैल्यू क्या आएगी, टू आएगी, क्लियर है, माइनस थ्री माइनस टू प्लस टू हो जाएगा वहाँ जाके, तो x की वैल्यू टू, तो टू कॉमा माइनस थ्री किस कर्व पे लाई कर रहा है चेक कर लेंगे, तो टू कॉमा माइनस थ्री यानी कि फोर और नाइन थर्टीन, फर्स्ट सही है, ठीक है ना, फर्स्ट ठीक है, गलत है, टू और थ्री, टू पुट करेंगे तो दूसरी कैंसिल आउट, माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, थर्ड ऑप्शन ठीक है, फोर्थ भी गलत है, ठीक है ना, टू थ्री या सिक्स, सिक्स और माइनस ट्वेल्व, ठीक है, नहीं ये भी नहीं है, तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फोर, द फंक्शन एफ आर माइनस टू से आर माइनस टू वेयर एफ एक्स इक्वल्स टू टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू इज सच दैट, ठीक है, तो अपने को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, तो एक काम करते हैं अपन, देखो अपने को डोमेन और कोडोमेन क्या दे रखा है, एफ आर माइनस टू से कहाँ लाई कर रहा है, आर माइनस टू, ठीक है, तो करते हैं सॉल्व, सबसे पहले तो क्या कर लेते हैं इसका इन्वर्स निकालने के लिए, इन्वर्स के लिए क्या कर लें अपन चेक कर लेते हैं, तो वाई इक्वल्स टू क्या हो गया, टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए जस्ट क्या करते हैं अपन, एक्स को वाई के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से आ जाएगा मेरे ख्याल से, देखो एक्स माइनस टू इंटू वाई इक्वल्स टू टू एक्स माइनस वन, तो ये आ गया आपका x कॉमन ले लो, तो y माइनस टू इक्वल्स टू इसको इधर ले आओ, तो टू वाई माइनस वन, तो x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, टू वाई माइनस वन अपॉन में y माइनस टू, x को y से क्या कर दो, दोबारा से रिप्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, तो क्या ये फंक्शन इस खुद का इन्वर्स है, बिल्कुल खुद का इन्वर्स है, ये तो साफ पता चल गया। अब मैं इसका क्या बात कर लेता हूँ, अब अपन बात, तो फर्स्ट ऑप्शन तो इसका मतलब ठीक है, सेकंड फंक्शन की बात कर लेते हैं, तो सेकंड के लिए क्या करो आप, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं फंक्शन को, है ना, थोड़ा सा सुंदर सा बना लेते हैं, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x माइनस 4 प्लस 3 लिख लेते हैं इसको अपन आराम से, इससे क्या होगा ना थोड़ा सा ये क्वेश्चन और अच्छा लगेगा, 2x माइनस 4 प्लस 3 लिख दिया मैंने इसको, है ना, अब 2 कॉमन ले लो इसमें से, एक पार्ट तो ये हो गया, इसमें से 2 कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा x माइनस 2, और उसको नीचे क्या कर दो डिनोमिनेटर के अलग अलग कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा 3 अपॉन x माइनस 2। अब देखो ध्यान से अपने पास क्या आ गया, y इक्वल्स टू ये फंक्शन आ गया, ठीक है ना, y इक्वल टू ये फंक्शन आ गया अपने पास, है ना, ये फंक्शन अपना ये पास ये आ गया, ये जो फंक्शन है y, तो आप ध्यान से देखो, तो 2 प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 अपने को पूछ रहा है किस फंक्शन में, किस इंटरवल, इस इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो डिक्रीज कहाँ से आता होगा, देखो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिट से लेकर 2 तक, और फिर 2 से लेकर इन्फिनिट में एफ एक्स की वैल्यू डिग्री जो रही है, इंक्रीज हो रही है, चेक करनी है अपने को, तो एक काम करते हैं छोटा सा, सबसे पहले तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या करो, 2 प्लस ये आ गया, तो फंक्शन का अपने को क्या निकालना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के लिए अगर हम एफ डैश एक्स निकाल लें, एफ डैश एक्स का मतलब क्या हो गया, वाई डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 3 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, समझ गए ना, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अंदर लीनियर फंक्शन है, डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा वैसे भी इसका, है ना, चलो तो y डैश आ गया, अब y डैश को आप ध्यान से देखो तो क्या है, ये ऑलवेज नेगेटिव है, ऑलवेज नेगेटिव फंक्शन है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि अपने को क्या है, x की वैल्यू, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से लेकर 2 और 2 से इन्फिनिट,
दोनों इंटरवल में इसमें क्या करेगा, ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा इसका मतलब क्या होगा, एफ डेस एक्स नेगेटिव, यानी कि फंक्शन क्या आएगा, डिक्रीजिंग आएगा। सेकंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है, इट हैज अ ग्राफ एंटायरली अबव एक्स एक्सिस। तो एक काम करते हैं अपन, छोटा थोड़ा सा इसको हटा दूं, इसको हटाते हैं अपन, है ना। अब देखो आ जाओ, तो अब अपन क्या करते हैं, ग्राफ चेक कर लेते हैं। तो सर ग्राफ पता है क्या बनेगा, वैसे भी चेक कर सकते हो आप, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल वैल्यू नेगेटिव भी तो आई सकती है ना, एक्स की वैल्यू नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव भी आ जाएगी। वैसे तो ग्राफ में कुछ भी नहीं है, ग्राफ बना सकते हो आराम से। देखो एक्स की वैल्यू टू पर वेरी कर रहा है ना, मतलब इन्फिनिट और माइनस इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है आप देखो, तो एक्स की वैल्यू पहले मैं टू रखूंगा, है ना, तो टू पर अप्रोच करेगा ये इन्फिनिट और माइनस इन्फिनिट को, तो टू से जस्ट बड़ी वैल्यू ले लूँगा तो प्लस इन्फिनिट हो जाएगा ये, तो ऐसे होगा यहाँ से आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, मिनिमम टू, ठीक है। ये एक लाइन ले ली मैंने y इक्वल टू टू, ये ले ली मैंने x इक्वल टू टू, ठीक है ना। तो ये ग्राफ ऐसा आ गया, और सेम क्या होगा जब x की वैल्यू क्या लेंगे अपन, टू से छोटी लेंगे, तो फिर क्या ग्राफ आएगा अपना, तो x की वैल्यू आ रहा है इसका, है ना, ग्राफ क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो y क्या है, नेगेटिव है, फिर नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन क्या है, एंटायरली अबव एक्स एक्सिस नहीं है। चलो थर्ड नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन में क्या कह रहा है, एफ ऑफ ई टू द पावर वन अपॉन एक्स। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखो एफ ऑफ ई टू द पावर वन अपॉन एक्स का ग्राफ है ना, एक्स टू द पावर माइनस वन दैट इज वन अपॉन एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, टू प्लस थ्री अपॉन ई टू द पावर वन अपॉन एक्स माइनस टू। तो एफ ऑफ ई की पावर एक्स वन अपॉन एक्स, चलो पहले इसकी मैं लिमिट ले लेता हूँ, कहाँ से लिमिट निकालनी थी ना हमने, को एक्सटेंडिंग टू कहाँ, जीरो। तो एल एच एल आर एच एल चेक कर लें, तो देखो ऐसी देख लेते हैं फटाफट से ना, जब जीरो पॉजिटिव को टेंड करेगा तो ये वैल्यू किसको टेंड करेगी, इन्फाइनेट को, और प्लस इन्फाइनेट को टेंड करेगी, तो ई टू द पावर प्लस इन्फाइनेट इसका मतलब क्या हो गया, ये इन्फाइनेट, तो थ्री अपॉन इन्फाइनेट क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये वैल्यू क्या आ रही है, टू, क्या आ रही है वैल्यू, टू आ रही है। और यदि मैं बात करूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो नेगेटिव की, तो जीरो नेगेटिव पे क्या होगा बताओ जल्दी से मेरे को जरा, एफ ऑफ ई टू द पावर वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये जब जीरो नेगेटिव होगा तो जीरो से जस्ट छोटी वैल्यू के लिए क्या हो जाएगी, वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ई क्या है, ग्रेटर देन वन है, तो ये वैल्यू होगी जीरो, जीरो माइनस टू, तो क्या मिलेगी अपने को, टू माइनस थ्री बाई टू, और टू माइनस थ्री बाई टू का मतलब कितना हो गया, हाफ। तो आर एच एल कितनी, एल एच एल कितनी आ रही है, हाफ, तो एल एच एल आ रही है अपनी हाफ, और आर एच एल कितनी आ रही है, टू। इसका मतलब क्या हो गया, एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, देन वी कैन से कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो फोर्थ ऑप्शन इसका रॉन्ग होगा, ठीक है। तो इसके ऑप्शन होंगे वन और टू सही होंगे। क्वेश्चन नंबर फोर हो गया। क्वेश्चन फाइव, क्वेश्चन फाइव में देखो क्या करना है अपने को, इफ इन ट्राइंगल ए बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल है किसके, अपने ए सी प्लस ए बी अंडर रूट थ्री, देन एंगल्स ऑफ ए बी सी मे बी, एंगल्स ए बी सी क्या क्या हो सकते हैं ये अपने को बताना है। तो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी इधर ले आया मैं, और माइनस का ए बी अंडर रूट थ्री इधर ले आया, ठीक है। अब देखो मैंने ना क्वेश्चन को ब्रेक कर लिया थोड़ा सा, ए और बी के साथ क्या आ रहा है, रूट थ्री आ रहा है, तो मैं ए को ब्रेक कर लेता हूँ क्योंकि ए सी भी आ रहा है, ए दोनों में कॉमन है ना, तो मैंने ए को ब्रेक कर लिया। कैसे ब्रेक किया, यहाँ पर है रूट थ्री, तो रूट थ्री को ब्रेक कर लेते हैं, रूट थ्री यानी कि थ्री बाई फोर। चलो तो इसको ब्रेक कर लेते हैं अपन, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने इसको लिखा थ्री ए स्क्वायर बाई फोर और ए स्क्वायर बाई फोर, ठीक है, बाकी किसी को मैंने कुछ भी नहीं बोला, इतना ही काफी है ना, माइनस का ए बी अंडर रूट थ्री इक्वल टू जीरो। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अब थ्री ए स्क्वायर बाई फोर, इसको अपन लिख क्या लिख सकते हैं, रूट थ्री ए बाई टू का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब इसको लिखो आप, देखो इसको देखना ध्यान से क्या लिखा रहा हूँ, इसको टू बी इंटू जो ए वाला पार्ट है ना उसको मैंने लिख दिया रूट थ्री ए बाई टू। देखो क्वेश्चन सेम है, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू रूट थ्री आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो बचा हुआ पार्ट है कौन सा है अपना, वो देखो बी स्क्वायर, बी तो वहां चला गया, क्या बचा ए स्क्वायर, है ना, तो क्या हो जाएगा अपना ए स्क्वायर बाई फोर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी। इसमें क्या करो आप, ए बाई टू का इसको क्या बना दो, होल स्क्वायर, तो ए बाई टू का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए बाई टू इंटू सी इक्वल्स टू क्या चल रहा है अपना, जीरो। तो ये दो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गए, क्या हो गए, दो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गए, कौन कौन, दोनों पूरा टर्म,
तो एक तो पार्ट ये बन गया अपना, ये क्या बनेगा बताओ, यहाँ लिख लें अपन, क्या बनेगा बताओ, ये बन जाएगा आपका रूट थ्री बाई टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बाई टू माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, जीरो। तो इसका मतलब दो नॉन जीरो या अपन कैसे नॉन नेगेटिव, दो नॉन नेगेटिव नंबर्स का सम यदि जीरो होता है, टर्म्स का सम यदि जीरो होता है, तो अपन कह सकते हैं इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन व्हेन इट इज दे आर इंडिविजुअली इक्वल टू जीरो, व्हेन दे आर इंडिविजुअली इक्वल टू जीरो, अलग अलग जीरो होंगे तो अपन कह सकते हैं इन दोनों का सम क्या रहा होगा, जीरो। तो ये तभी पॉसिबल है। तो क्या लिख लिया अपन, यहाँ से आ गया मेरे पास रूट थ्री बाई टू ए इक्वल टू बी आ गया कॉमा, दूसरा आ जाएगा ए बाई टू इक्वल टू सी। तो यहाँ से इसको अपन सेम बनाने की सोचें तो क्या हो जाएगा, ए बाई टू बराबर बी अपॉन अंडर रूट थ्री इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा सी अपॉन वन। तो ये कंडीशन जो निकल के आई है यहीं से आपके क्या आ गए साइड। अब आपको पता है साइड्स और एंगल्स का रेशियो आपने पढ़ा है क्या होता है, इसको क्या करना आप टू से डिवाइड कर देना, तीनों को टू से डिवाइड कर देना, तो उससे क्या है आपको एक बहुत अच्छी फॉर्मूला दे जाएगी ना। अब आपको पता है साइन रूल, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। तो क्या हो जाएगा, ये तो वन है तो एक एंगल 90 डिग्री आ गया, बी के लिए कितना आ जाएगा 60 और इसके लिए कितना आ गया 30 डिग्री सी के लिए, है ना। तो क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन क्या क्या है अपने, 30 60 और 90 पाई बाई सिक्स ए 45 नहीं है 60 एंड 90, तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। आगे चलें तो देखो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। देखो क्वेश्चन सिक्स में क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन सिग्मा 100 सी फोर आर, है ना, 100 सी फोर आर प्लस टू वेयर सिग्मा आर स्टैंडिंग फ्रॉम 0 टू 24 और नीचे क्या है अपना 200 सी एट आर माइनस सिक्स। ओके तो शुरू करते हैं, देखो इसकी वैल्यू निकालते हैं अपन, तो किसके नहीं इक्वल होगी वो अपने को बताना है, ठीक है। चलो तो देखो सबसे पहले क्या करो, इसको ना थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे अपन, तो ध्यान से देखें आप लोग क्या करना क्या है, 100 सी फोर आर, तो ये जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, देखो ध्यान से क्या आएगी वैल्यू, देखो इसको मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 100 सी 0 100 सी 2 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आएगा अपना 100 सी, यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 100 सी कितना 1 रखोगे तो आ जाएगा 6, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से लेगा अपना फंक्शन, अपन कम से कम लिखेंगे इसमें, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो आप बस, 100 सी 0 का मतलब क्या हो गया, आप देखो ध्यान से, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 100 में कोफिशियंट ऑफ x टू द पावर 0, मैं इसकी बात करूं तो इसमें मैं क्या ढूंढना चाह रहा हूं, 1 प्लस एक्स टू द पावर 100 में कोफिशियंट ऑफ x टू द पावर 2 ऐसे बोलूं मैं, या फिर मैं क्या करूं इसमें x को ऐसे डिवाइड कर दूं और फिर मैं बोलूं कोफिशियंट ऑफ x की पावर 0 इन दिस 1 प्लस x टू द पावर 100 प्लस। तो अब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कोफिशियंट ऑफ x टू द पावर 0 इन व्हाट कंप्लीट दे, है ना, इसमें x पावर 0 का कोफिशियंट चाहिए आपको और इसमें क्या चाहिए x पावर 0 का कोफिशियंट, तो आ गया ना समझ में बात, 100 सी 0 इंटू 100 सी 2। अब आ जाओ आगे, अब इसमें भी देखो आप इसको कैसे लिखोगे, आप यदि आपको कोफिशियंट ऑफ x पावर 0 चाहिए तो क्या लिखोगे इसको आप, 1 प्लस x टू द पावर 100 और नीचे क्या आएगा इसमें x टू द पावर 4, क्यों, क्योंकि x की पावर है ना, x की पावर 4 का कोफिशियंट चाहिए आपको, इसका क्या मतलब है x की पावर 4 का कोफिशियंट चाहिए आपको, तो उसको क्या लिखोगे आप, 100 सी 4। अब इसमें x की पावर 4 से मैं डिवाइड कर दिया तो अंदर से मेरे को कोफिशियंट कितना मिल लेना चाहिए, 4, तो x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा कोफिशियंट ऑफ x की पावर 0। यहाँ पर देखो ये क्या है, 1 प्लस x टू द पावर 100 और यहाँ पर कोफिशियंट किसका चल रहा है 6 का, इसका मतलब x टू द पावर 6 से डिवाइड कर देते हैं अपन, एंड सो ऑन, क्लियर है बात। आगे चलते हैं थोड़ा सा और, तो कोफिशियंट ऑफ x की पावर 0 चाहिए अपने को इसमें, है ना, तो एक बार और लिख लेते हैं अपन इसको, कोफिशियंट ऑफ x टू द पावर 0 इन दिस, ठीक है। अब आप देखो 1 प्लस x टू द पावर 100 इंटू 1 प्लस x टू द पावर 100 1 प्लस x टू द पावर 100 इंटू 1 प्लस x टू द पावर 100 तो क्या हो गया 1 प्लस x टू द पावर 200 और ये कितने टाइम्स आ रहा होगा बताए आपको, इन सब में से 1 प्लस x टू द पावर 100 आप कॉमन ले सकते हो, सॉरी 200 कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना। तो अंदर क्या बचेगा पता है, सिर्फ और सिर्फ बचेगा आपके पास 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x टू द पावर कितना हो जाएगा ये 10। अगला टर्म क्या आएगा पता है, 1 अपॉन 4 के बाद पावर क्या आई होगी वहां पर 100 सी 4 हुआ, फिर जब 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 8 और यहां पर क्या हो जाएगा 10, तो 8 और 10 आने वाला है, तो 8 प्लस 10 कितना हो जाएगा 18, तो क्या आएगा 1 अपॉन x टू द पावर 18, क्लियर, एंड सो ऑन।
क्लियर है बात। आगे चलते हैं थोड़ा सा और। अब आप ध्यान से देखो तो ये क्या बन रही है, जीपी बन रही है, जिसका कॉमन रेशियो कितना है 1/(x^8)। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, लिख देते हैं इसको अपन, कोफिशियंट ऑफ x^0 इन व्हाट दिस 1+(x^100) इन टू, इस जीपी को सॉल्व करो आप तो क्या आएगा, ए 1/(x^2) इन टू 1-r^n। r कितना है इसमें, r है अपना 1/(x^8)। क्लियर। और n, n की वैल्यू क्या होगी बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें अपने, जीरो से स्टार्ट हो गए, कहाँ तक जा रहा है 24 तक, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 25, नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 25 अपॉन में 1-r। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, कोफिशियंट ऑफ x^0 इन व्हाट ये 1+(x^200। अब आप देखो ध्यान से, मैं स्टेप में लिख देता हूँ, एक स्टेप है ना, यहाँ x^8 है तो क्या होगा एलसीएम, x^8 -1, तो नीचे तो आ जाएगा x^8 -1। क्लियर। और ऊपर क्या है x^2, तो नीचे क्या आ जाएगा इसमें x^2, और इनका एलसीएम आ गया, चलो लिख लेते हैं अपन x^8। और ऊपर क्या आएगा ध्यान से देखो, 25 8 = 200, तो x^200 - 1, ऊपर क्या आ गया x^200 - 1, सही है ये। अब यहाँ पर आप देखो ध्यान से, तो x^200 - 1 हो गया ये, और नीचे x^8 है, तो x^8 से x^8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको मैं क्या कर दूँ, यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया x^8 से x^8। अब एक काम करते हैं अपन, लेकिन यहाँ पर पावर कितनी आई थी, x^8 नहीं, क्या आएगी 200 आएगी, है ना, 200 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना बचेगा 194 बचेगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या बचेगी पावर, x^194 बचेगी, ठीक है ना, क्या बच रही है यहाँ पावर, x^ बच रही है अपनी x^8 - 1, और नीचे बचेगा अपना x^194, ठीक है 194, और साथ में ये क्या है 1/(x^2) भी है, तो 1/(x^2) को भी अपन लिख लेते हैं, एक मिनट, 200 x^8, ठीक है, तो ये कितना आ गया 198 हो जाएगा, ठीक है 194 + 194 था ना ऊपर, 200 - 8 = 92 आएगा ये, है ना, क्या आएगा 94, समझ गया ना कैसे, x^8 x^200 कितना हो गया 192 में 2 ऐड करोगे तो 194, तो ये आ गया पावर। चलो अब मेरे को बताओ, ये आ गया आपके सामने, आपको चाहिए इसमें कोफिशिएंट ऑफ x^0, तो एक बात बताओ पहले तुम इसको, क्या मैं इसमें से ऐसा करूँ थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख लेते हैं इसको, है ना, तो इसमें से माइनस एन कॉमन ले लेते हैं, इसको हटा दूँ यहाँ से, है ना, देखो आ जाओ, कोफिशियंट ऑफ x^0 किसमें चाहिए अपने को, इसमें 1+(x^200) इंटू 1-(x^200) इंटू क्या आएगा साथ में, नीचे तो है अपना x^194, और यहाँ पर क्या आएगा 1-(x^8)-1, तो ये कैसी हो गई, नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स, है ना, माइनस में आ गई पावर, तो इसको अपन ओपन करें कैसे करेंगे, याद आ गया 1-(x^-1) का एक्सपेंशन क्या होता है 1+(x+(x^2)+(x^3), है ना, तो इसको ओपन करो अब तुम, लेकिन ध्यान से देखो, देखो 1 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों से, तो मेरे को चांसेस हैं कि क्या मिल जाए, कोफिशिएंट ऑफ x^0, बट जब मैं x^200 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना, x^0 का कोफिशिएंट क्या मिलेगा मेरे को, 0, आ रही है समझ में, तो इस वाले टर्म में से मेरे को क्या, किसकी जरूरत है, सिर्फ 1 की जरूरत है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोफिशियंट ऑफ, अब देखना ध्यान से, सिर्फ मैं क्या रख लूँ इसमें से, इसमें से मेरे काम का क्या है 1+(x^200) है, और इसमें ओपन कर दो इसको, तो 1+(x^8)+(2)16+ and so on, आ रही बात समझ में, अब देखो नीचे क्या है x^194, तो ऊपर मेरे को पावर चाहिए, मतलब इसको कंप्लीट पावर इसमें से क्या चाहिए मेरे को, 0, तो ऊपर पावर कितनी रिक्वायरमेंट है कि नीचे कैंसिल आउट हो जाए पावर, 0 बचे, x^194 का कोफिशियंट निकाल लूँ मैं, तो x^194 का यदि मैं कोफिशियंट निकाल लूँ ऊपर से, तो नीचे कौन बैठा हुआ है x^194, तो उससे क्या कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, तो क्या बचेगा x^0 बचेगा, तो यहाँ से ही आ गया, तो इसका मतलब मैं इसमें अब कोफिशियंट ऑफ x^194 निकाल लूँ, देट विल बी माई रिक्वायर्ड आंसर, तो अब हम एक काम करते हैं छोटा सा, इसको तो हटा देते हैं अब यहाँ से, है ना,
ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा आपका वन प्लस एक्स टू टू हंड्रेड। तो देखो अपने को चाहिए कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर कितना 194। तो एक बात बताओ पहले तो यहां से मेरे को क्या चाहिए 200 सी। देखो 1 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर क्या चाहिए होगी यहां से 194, तो 194 प्लस, सही है ना, समझ में आ गई बात। यहां से मेरे को कोफिशियंट चाहिए 194, तभी 1 में मल्टीप्लाई होगी, क्या बनेगी पावर 194। यहां पर एक्स की पावर 8 पहले से है, और कितना ले लूं मैं कि 194 हो जाए, 180 कितना 8 माइनस कर दो तो 186 प्लस नेक्स्ट टर्म में से पावर कितनी ले लूं बताओ, 16 माइनस कर दो तो 8 और माइनस कर दो इसमें से, तो क्या बचेगा 178 एंड सो ऑन। चलो ये आ गया, तो अब कुल मिला के आप देखो तो लास्ट टर्म क्या आएगा इसका, लास्ट टर्म आएगा 200 सी, कितना हो जाएगा सॉल्व कर लो, तो लास्ट टर्म आ जाएगा आपको, यहाँ पर पावर कितनी चाहिए अपने को, यहाँ पर मल्टीपल में क्या आएगी 192, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 200 सी 2 आ जाएगा, क्या आ गया 200 सी 2। कर लोगे आराम से, अब फटाफट से कुछ नहीं करना, बस आपको ध्यान से देखो इसको, ये क्या बन रहा है अपना, इसको आप कैसे लिख सकते हो 200 सी एन सी आर को अपन लिख सकते हैं एन सी एन माइनस आर, तो इसको लिख दोगे आप 200 सी 6, ठीक है ना, 6 लिख सकते हैं अपन, प्लस नेक्स्ट को क्या लिख लेंगे 200 सी कितना हो जाएगा 6 प्लस 8 14 लिख लेंगे इसको अपन, प्लस 200 सी कितना हो जाएगा नेक्स्ट 22 एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या आएगा 200 सी 2 का मतलब कितना हो गया 198। क्लियर, अब आप देखो तो ध्यान से देखो तो क्या बन रहा है ये, 1 प्लस एक्स में कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर 6 चाहिए इसका मतलब अपने को। तो एक काम करें अपन, एक काम कर थोड़ा कर सकते हैं इसको अपन, एक्चुअल में क्या कर रहे हैं अपन, इसको चेंज करना चाह रहा हूँ मैं किसमें, नीचे वाले के फॉर्मेट में। तो आप 8R माइनस 6, R की वैल्यू यदि 0 रख देते हो, 0 तो पॉसिबल नहीं है, 1 रखोगे तो 1 पे क्या आएगा 2 आएगा, तो अपने पास 2 मिल रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना अपन, R की वैल्यू 1 पे कितना आ रहा है 2, 2 पर कितना आएगा 14, इसका मतलब क्या हो गया 214, ओके। और उसके बाद फिर क्या आएगा लास्ट में, रखो आप 25 बैठ जाओ, 25 बैठ जाओ, हो गया 200 माइनस 6 यानी कि 194। तो अपन एक काम करते हैं ना, अपन इसको चेंज ही नहीं करते, क्या नहीं करते अपन, चेंज नहीं करते, सो ठीक है ना, चेंज नहीं करेंगे तो अपना काम ऐसे ही हो जाएगा। तो एक काम करते हैं अपन, इसको डायरेक्ट देख लो आप क्या बन गया ये कंप्लीट का, ये पूरा का पूरा क्या बन गया अपना, ये बन गया 200 सी 8R माइनस 6, जिसमें R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी आपकी 1 से 25, इन्हीं का समय है, इन्हीं बाइनोमियल कोएफिशिएंट का समय, तो ये इसकी वैल्यू है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो अपने पास सिग्मा था, है ना, अपने पास सिग्मा समेशन था, वो क्या है इक्विवेलेंट टू दिस एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस। सो अपने पास जो वैल्यू आएगी इसकी आएगी, इसकी इसकी आएगी वैल्यू 1 आएगी, और उसकी वैल्यू 1 आएगी, तो अपन के पास ऑप्शन क्या क्या है, इसकी वैल्यू किसके बराबर नहीं होगी, 2 के इक्वल नहीं होगी, ठीक है ना, 2 के इक्वल नहीं होगी, 3 के इक्वल नहीं होगी, और 4 के इक्वल नहीं हो सकती। क्या आएगा इसका आंसर, 1 आएगा, बट वो किसके इक्वल नहीं होगी, 2 3 और 4, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 7, इफ कोटेक्स प्लस कोसेक एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ कोटेक्स प्लस मॉड ऑफ कोसेक एक्स, एक्स बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई को, तो कह रहा है देन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच डू फॉर विच एक्स डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस, ओके। सबसे पहले अपने एक्स की वैल्यू निकालनी है, तभी अपन पता लगा पाएंगे कौन सा इंटरवल नहीं बिलोंग कर रहा है, ठीक है, किस इंटरवल को बिलोंग नहीं करेगा एक्स। तो पहले आप ध्यान से देखो, ये क्या है अपना मॉड ए, मॉड ए प्लस मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल है क्या मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी के, एक कब पॉसिबल है मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल है मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी के, तो क्या होगा ए इंटू बी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से अपन को क्या मिल गया कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो अपन कह सकते हैं यहाँ से कोसेक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव, जीरो भी हो सकता है, तो इसको मैं क्या कर दूँ गायब कर दूँ यहाँ से, तो क्या मिल जाएगा कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बट एक्स के नॉट टेक वैल्यूज, कौन कौन सी, जीरो से टू पाई इंटरवल है ना, तो जीरो नहीं ले सकता, पाई नहीं लेगा और टू पाई नहीं लेगा, है ना, जीरो टू पाई इंक्लूडेड है उसमें, है ना, तो एक्स की ये वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, तभी हम जीरो कर सकते हैं उसको साइन एक्स को, ठीक है ना। तो कॉस एक्स बचा, अब क्या बच गया अपने पास कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और कॉस एक्स यदि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा ग्राफ क्या होता है अपना कॉस एक्स का, जीरो से टू पाई में यही होगा, ठीक है। तो जीरो से टू पाई में ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में ग्राफ कौन सा होगा, एक तो ये
और एक ये, तो क्या होगा इसका आंसर? जीरो से ये वैल्यू कितनी होती है याद है ना, पाई बाई टू, ये वैल्यू कितनी होती है थ्री पाई बाई टू, पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू का कॉस क्या होता है जीरो होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से वैल्यू, एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा अपना आंसर, जीरो से इंक्लूड करना है तो क्या हो जाएगा, जीरो से पाई बाई टू यूनियन कितना आएगा थ्री पाई बाई टू से टू पाई, क्लियर। लेकिन मैं मना करता था जीरो पाई और टू पाई को इंक्लूड नहीं करना है, तो जीरो पे क्या आएगा ओपन इंटरवल, और टू पाई पर भी क्या आएगा ओपन इंटरवल, इसका मतलब क्या हो गया ये आएगा इसका आंसर। तो अपन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, ये इंटरवल इसका है तो कौन सा नहीं होगा, जीरो से पाई में पाई बाई टू आ गया, ठीक है ना, जीरो से पाई में पाई बाई टू आ रहा है बट पाई बाई टू से पाई नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ये ऑप्शन अपने लिए सही है, जीरो से पाई टू अपना आंसर है, जीरो से पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू से टू पाई, ये तो कंप्लीट आंसर है अपना, और ये भी इसका आंसर नहीं है ना, पाई से थ्री पाई बाई टू, ठीक है ना, पाई से थ्री पाई बाई टू और साथ में अपना, ठीक है। तो कौन कौन से ऑप्शन हो गए, फर्स्ट और फोर्थ। अगले क्वेश्चन चलते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, लास्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 10 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम 30 ऑब्जेक्ट्स, 30 में से अपने को 10 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, ऑफ विच 10 आर अलाइक एंड रेस्ट ऑल आर डिफरेंट। देखो सुनो, 30 ऑब्जेक्ट हैं अपने पास, 30 में से अपने पास कह रहा है 20 तो कैसे हैं डिफरेंट हैं और 10 कैसे हैं अपने पास अलाइक हैं ना, सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 सेम है और 20 कैसे हैं डिफरेंट। तो एक छोटी सी बताओ पहले तो मेरे को आप, कि जो सेम है उनमें से आप 10 सेलेक्ट करोगे तो कितने तरीके हैं उसके, एक ही है। तो इसको सोचने का तरीका क्या रहेगा अपना, कि मेरे को 10 आइटम चूज करने हैं इन 30 में से, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कि जो डिफरेंट आइटम्स हैं उनकी मैं बात करूं तो डिफरेंट आइटम्स में से मैं कैसे कैसे चूज कर सकता हूं। हो सकता है मैंने एक भी चूज नहीं किया, मतलब 10 के 10 के आ गए सेम आ गए, तो उसके तरीका कितना कितना होगा चूज करने का, 20 में से 0, एक भी चूज मत करो आप, है ना, डिफरेंट में से एक भी चूज मत करो, तो सारे सारे आपने कौन से चूज कर लिए होंगे सेम, उसका तरीका तो एक ही होगा, इनटू वन करना चाहो कर लो, है ना। दूसरा क्या होगा, 20c1, मैंने क्या किया एक डिफरेंट ले लिया और बाकी 9 के लिए सेम, तो उसका तरीका कितना होगा 1 × 20c1। फिर अगला क्या आएगा ऐसे ही, 20c2 डिफरेंट और बाकी सेम, लास्ट में क्या आ जाएगा 20c10, 10 के 10 मैंने क्या ले लिया डिफरेंट चूज कर लिया, तो सही है ये आ गया। अब बस कुछ नहीं, अब आप क्या करो इनका सम कर लो। अब सम करने के लिए दिक्कत क्या आ रही है अपने को, कि यदि 20c मतलब nc0 प्लस nc1 अप टू ncn होता तो आंसर क्या होता, 2 की पावर n, बट यहाँ पर कहाँ रुक गई अपनी सीरीज, 10 पर रुक गई है, तो अपन क्या करें इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 20c0 का ट्वाइस हो जाएगा। चलो लिख लेते हैं आराम से, 20c0 प्लस ट्वाइस ऑफ 20c1 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ट्वाइस ऑफ 20c10 तक, सही है। अब देखो इसको अलग अलग कर लो आप, 20c0 को, 20c0 को क्या लिख दोगे आप, 20c0 इंटू 20c0 मतलब सॉरी 20c0 प्लस 20c0 और एक 20c0 को क्या लिख दोगे ncr को, ncn-r, तो ये हो जाएगा आपका हाफ 20c0 प्लस दूसरा क्या हो जाएगा 20c20 है ना, 20c20 और आगे चलो आप 20c1 को क्या लिख दोगे आप, 20c1 और यहाँ पे क्या जाएगा 20c19, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20c2, फिर हो जाएगा 20c18, ठीक है। अब आप देखो होगा क्या ना, लव लास्ट में अपन जाएंगे 20c9 को आप लिखोगे 20c11, बट 20c10 को आप डबल लिख नहीं सकते, क्यों, 20c10 का तो क्या होगा 20c10 ही होगा, तो रिपीट हो जाएगा, तो इस जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको आप अलग से लिख दो 20c10, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, तो ये तो क्या बन गया पूरा 2 की पावर 20 बन गया, तो 2 की पावर बन गया 20 प्लस 20c10, आगे क्या है हाफ है, तो इसको तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो आप, चलो अभी ब्रैकेट लगा देते हैं अपन, क्या क्या आंसर आ जाएगा 2 की पावर 19 प्लस हाफ ऑफ 20c10, सही है। तो ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा 2 की पावर 19 प्लस 20 हाफ ऑफ 20c10, एक तो ये सही हो गया 2 की पावर 19 प्लस 20c10 लिखा हुआ है ना, तो 20c10 में से कॉमन ले लो, है ना, मैं यहाँ कर रहा हूँ देखो ध्यान से, इस वाले को यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, 2 की पावर 19 प्लस हाफ ऑफ 20c10 में से 20 ऊपर से और 10 नीचे से कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 19c9 बचेगा और 10 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन सही है इसका मतलब, है ना, फोर्थ ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर,
तो ये आपका क्या हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। तो इसी के साथ आपका मेजर का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। इसको आप अच्छे से कर लें, इसमें कोई डाउट है आपको तो आप पूछ लो, है ना, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट मेजर की आप तैयारी करनी है अच्छे से, ठीक है। थैंक यू।